हो तुम्ही हो मादा पिता तुम्ही हो तुम्ही हो बंधु सगा तुम्ही हो तुम्ही हो सादी तुम्ही सहारी कोई न अपने सिवा तुम्हारे कोई न अपने सिवा तुम्हारे तुम्ही हो नैया तुम्ही गिवैया तुम्ही हो नैया तुम्ही गिवैया तुम्ही हो बंधु सगा तुम्ही हो तुम्ही हो बंधु सगा तुम्ही हो तुम्ही हो मादा पिता तुम्ही हो तुम्ही हो बंधु सगा तुम्ही भारत हमारा देश है हम सब भारतवासी भाई बहन है हमें अपने देश प्राणों से भी प्यारा है इसकी समृद्ध और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है हम इसके सुयोग अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे हम अपने माता पिता शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करता कल्याण और सौहृद में भी हमारा सुख निहित है प्यारे बच्चों दोस्तों हिंदी हमारा देश भारत की भावात्मक एकता की भाषा है हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है हम सभी इसी भाषा जरूर अपनाएं हम सभी मिलकर इसी भाषा की उन्नति के लिए प्रयास करें हमारे बच्चों को हिंदी पढ़ना जरूर सिखाएं सभी को हिंदी दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं जय हिंद जय हिंदी हिंदी दिवस का शुभकामनाएं आज का सुविधा जिस देशम के अपने भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है वह उन्नत नहीं हो सकता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद धन्यवाद हिंदी हमारी शान है देश का अभिमान है हिंदी दिवस की शुभकामनाएं मेरा नाम वैशाख मनोज मैं यहाँ सत्यनारायण वार्ड से आए आपने लिखे एक ज्ञानवीर पुरस्कार प्राप्त कविता संग्रह के परिचय देता हूँ इस पुस्तक का नाम है कितने नावों से कितने वार आपके की ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कितने नावों से कितने वार 1962 से 1963 तक लिखे कविताओं का संग्रह है यह तो आपके के कविताओं के किसी भी संग्रह के लिए कहा जा सकता है कि यह आपने उनकी जीवन दृष्टि का परिचय है कि किंतु प्रसिद्ध इस रूप से विशिष्ट है कि आपने की साधु सभी संतानी की दृश्य के दृश्य की अटूट गहरे अनुभूति का इसमें मुख्य रूप से गूंजती है मनुष्य की गति और उसकी नियति की पकड़ समकालीन हिंदी कविता में अन्यत्र दुर्लभ है दोस्तों मैं इस परिचय को समाप्त करता हूँ सबको हिंदी दिवस का शुभकामनाएं धन्यवाद नमस्ते आज हमारा देश कोरोना नामक एक महामारी से पीड़ित है कोरोना वायरस को कोविड-19 नाम से भी जाना जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है यह वायरस अब तक दुनिया के सभी देशों में फैल चुका है कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली है इसका संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं इसलिए हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए इससे बचने के लिए सदा हाथों को साबुन से धोना अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और मुख आवरण करके एक दूसरे से सामाजिक दूरी रखना अनिवार्य है धन्यवाद नमस्कार आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी भारत का राजभाषा है महात्मा गांधी जी ने हिंदी को जनमानस का भाषा कहा था भले ही आज स्कूलों में सारी पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी में होती है परंतु भारत व हिंदुस्तान को हिंदी से जाना जाता है हिंदी भारत के बारे में जागरूकता और महत्व का प्रचार के लिए आज के दिन
को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज पूरा विश्व में कोरोना से अगर बचना है तो मुंह पर मास्क पहनना है, भीड़ से दूर रहना है, यह हम सबका कहना है। घर पर रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी का इतिहास लगभग 1,000 वर्ष पुराना है। 14 सितंबर 1949 को गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा। इस दिन संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। तब से इस भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई है। हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा की नहीं बल्कि हिंदुस्तान में पहचान दी है, इसलिए हम सबको हिंदी सीखनी चाहिए। हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम में भाग लिए सभी अध्यापकों और विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद। एक बार फिर से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।